अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना आपकी किस्मत को संवारने के समान है। इसमें आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं, बस सिर्फ एक लोटा जल और सुबह जल्दी उठने की आदत। ये चीजें व्यक्ति के जीवन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है। तो आपको जरूरत है सुबह के समय जल चढ़ाते समय इन बातों के ध्यान रखने की कि सूर्य को जल किस समय चढ़ाया जाए जिससे आपको फायदा मिले। वैसे तो हर कोई व्यक्ति सुबह के समय जल अर्पित करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है और शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया जल बहुत ही अच्छा रहता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें लेट उठने की आदत होती है और 8 बजे के बाद जल अर्पित करते हैं। ऐसे में भगवान सूर्य की कृपा के पात्र तो वो बनते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले जो व्यक्ति जल अर्पित कर देता है उसके जीवन का तो कहना ही क्या है। उसे इतना फायदा प्राप्त होता है कि वो भगवान से जो भी कामना करता है उसके जीवन के अंदर वो उसे जरूर मिलता है। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय वो आपके पैरों से नहीं लगना चाहिए, वरना आप पाप के भागी बनते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जल देते समय किसी गमले के अंदर या तो आप जल दे दें या नीचे कोई पात्र रख लें और उसके बाद जो जल पात्र में इकट्ठा हो गया है आप भगवान सूर्य देव को चढ़ाने के बाद चरणामृत के रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन पैरों में वो जल नहीं लगना चाहिए। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद उस जल की परिक्रमा करनी चाहिए और अपने हाथों से सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद आपको दैनिक जीवन शुरू करना चाहिए। आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, कौन है जो सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता है? अगर आप भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य देव के लिए एक लाइक तो बनता है, जय सूर्य देव। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली को मजबूत बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, क्योंकि तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान सूर्य देव उस भक्त की आराधना बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। और अगर आपकी मनोकामना भगवान सूर्य देव ने सुन ली तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्तोत्र इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं विशेष उपाय की। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी कुंडली मजबूत हो और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले? तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपके जीवन के अंदर धन आगमन को लेकर परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जितना आप कमाते हैं वो तो रहे ही, साथ ही आय के नए स्रोत्र भी खुले और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले और अनावश्यक कारणों से आपका धन खर्च ना हो, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु धन का स्वामी ग्रह होता है और गुरु देवता के पास जितना धन होता है उससे मात्र कुबेर ही प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान सूर्य देव को विशेष गुरुवार और मंगलवार के दिन जो जल अर्पित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। अब आप भगवान सूर्य देव से अपनी मनोकामना कहें और भगवान गुरु से प्रार्थना करें कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद हल्दी मिले इस जल को चढ़ा दे, इससे आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक परेशानी नहीं आने देता है। इससे कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है और आपके जीवन में धन के योग बनते हैं, धन की बरकत देखने को मिलती है। इसमें आपके कोई लाखों रुपए भी खर्च नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये छोटा सा उपाय जो हमने आपको बताया है करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर एक मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, रात्रि को ज्यादा देर तक जागने की समस्या हो या पैर दुखने की समस्या हो या फिर मन में बुरे विचार आते हो जिसकी वजह से बीच रात में ही आपकी नींद खुल जाती हो। दोस्तों, हम आपको अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय यहाँ बताने वाले हैं। या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति करनी है या अगर आपकी संतान बिगड़ेल है और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा, आपके जीवन के अंदर संतान सुख देखने को मिलेगा। तो आपको बस करना इतना है कि रात्रि में सोते समय अपने पास एक लोटा जल भर कर रख दें और सिर्फ 2 लौंग आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो लोटे के अंदर उन 2 लौंग को डाल दे और भगवान सूर्य देव से आपकी जो भी प्रार्थना है वो कह दे। इसके बाद आपको
ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इसके बाद उस जल की कुछ बूंदे जो आप जल चढ़ा चुके हैं अपने हाथ में लें और उसे अपने ऊपर छिड़क लें, या फिर जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है उसके ऊपर ये जल छिड़क दें। ये आपको लगातार 21 दिन तक करना है। आपकी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आपने ये उपाय किया है वो जल्द पूरी होगी और आपको भगवान सूर्य देव की असीम कृपा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय सूर्य देव।